वेलकम फर्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे थे वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। इसकी वीडियो आधी बनी थी और आधा जो उसका पार्ट है वो अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वही पैराग्राफ है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन जिससे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ रूल्स को ओबे करना ज़िंदगी में, तो ये हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। और जो अनडिसिप्लिन पर्सन होता है वो क्या है, एनिमल की तरह होता है। और इसके बिना, डिसिप्लिन के बिना तो कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए ज़िंदगी में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से छूट गया था हमारा, इसके आगे हम करेंगे। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ ए चेक ऑन द लिबर्टी। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ये उनकी आज़ादी के ऊपर एक चेक है, यानी नियंत्रण का काम करते हैं अनुशासन। लेकिन ये बात गलत है, ठीक नहीं है। क्या है, बट इट इज़ रॉन्ग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी की लिबर्टी को अनुशासन नियंत्रण में नहीं रखता। ठीक है, इसे तो व्यक्ति में क्या है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर एक अनुशासनहीन व्यक्ति है तो वो लगेगा जैसे पशु है। अनुशासन वाला व्यक्ति है तो हमें अच्छा लगेगा, उसकी पर्सनैलिटी का विकास होगा। एक पर्सन विदाउट इट इज गुड फॉर नथिंग। इसके बिना जो व्यक्ति है, यानी डिसिप्लिन के बिना, विदाउट इट में इट मीन डिसिप्लिन, एक व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता या इस डिसिप्लिन के बिना, अनुशासन के बिना जो व्यक्ति है वो किसी भी काम का नहीं है। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं। एवरी मेंबर शुड ओबे समवन एंड वर्क अंडर हिज गाइडेंस फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। हर सदस्य को क्या करना चाहिए, किसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेन घर के बड़े सदस्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसी के दिशा निर्देश में रहकर काम करना चाहिए ताकि परिवार की भलाई हो सके। यानी परिवार की भलाई के लिए हर सदस्य को किसी ना किसी का कहना मानना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए, उसके रूल्स को जो उसने बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए और उसी के निर्देशों के अंतर्गत रह के उसे काम करना चाहिए ताकि परिवार की भलाई हो सके। ओके, इट इज़ नीडेड। अब जो अनुशासन है, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है उसकी, घर पे उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, इन कॉलेजेस में ज़रूरत है, स्कूल में ज़रूरत है और ऑफिस में ज़रूरत है और आर्मी में ज़रूरत है। हर जगह पे अनुशासन की ज़रूरत है। ऑफिस में अगर प्रिंसिपल कुछ कह रहे हैं तो उनको ओबे करना स्टाफ का कर्तव्य, ठीक है। कॉलेजेस और स्कूल्स में अगर अध्यापक बच्चों को कुछ कह रहे हैं तो यहाँ बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उनको ओबे करना जो उन्होंने कहा है। और ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, घर में किसी बड़े ने कह दिया तो घर के बाकी परिवार के सदस्यों को उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुशासन ही है और उसी के निर्देश में रह के काम करना चाहिए, ठीक है। और आर्मी में तो बहुत सख्ती होती है, डिसिप्लिन वहाँ तो बहुत ज़रूरी है। अनडिसिप्लिन व्यक्ति तो वहाँ जा ही नहीं सकता आर्मी में, यहाँ बहुत ज़रूरत है। इवन इन नेचर देयर इज डिसिप्लिन। आप कहते हैं प्रकृति में भी देखो डिसिप्लिन होता है, प्रकृति में भी डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। कैसे अनुशासन होता है वहाँ पर, देखो जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, द सन एंड द मून, वो भी किसी लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। समय से निकलते हैं सूरज भगवान और समय पे अस्त होते हैं। इसी तरीके से मून है, मून अपने समय से आपको रात को दिखाई देंगे। 15 दिन की कलाएँ बढ़ेंगी, 15 दिन इनकी कलाएँ घटेंगी, ठीक है। फिर बीच में एक दिन अमावस्या का आएगा और एक दिन पूर्णमासी का आएगा। तो ये सब क्या है, एक नियम के अंडर काम कर रहे हैं। तो फिर मनुष्य की तो विसाय लगे, मनुष्य की विसाय कुछ नहीं। अगर प्रकृति नियम में रहती है, अनुशासन में रहती है, तो मनुष्य को तो अनुशासन में रहना ही चाहिए और इसकी बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। अगर अनुशासन है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा दिखेगा, अगर नहीं तो वो एक पशु की तरह दिखाई देगा। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन पूरा हो गया। इसका आधा पार्ट है जो यहाँ तक वो एक वीडियो में गया और इसका बाकी का हिस्सा
नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टू में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वैल्यू ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको याद कर लीजिए। और हो सकता है आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका थर्ड सेशन होगा उसमें आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।